हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास कैनन की 25-30 मशीन है ये, और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी फिक्सिंग यूनिट में पेपर बार बार जाम हो रहा है। तो ये पेपर जाम क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फिक्सिंग यूनिट है, साइड डोर मैंने ओपन कर लिया है। ये फिक्सिंग यूनिट है, इसमें ये पेपर बार बार यहाँ फंस रहा है। तो ये पेपर यहाँ क्यों फंस रहा है और इसको हम कैसे सही करेंगे, तो इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पेपर हैं उनको निकाल लेना है, और जो भी हमारी मशीन एरर शो कर रही है यहाँ पर, इसको क्लियर करना है। तो पेपर निकालने के बाद हमें सिंपली साइड डोर को ओपन करके ये एरर क्लियर करना है। तो ये एरर यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमें अपनी मशीन को आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर लीजिए। तो मैं अपनी मशीन को बंद कर लिया मैंने, मान लो। तो बंद करने के बाद हमें सिंपली साइड डोर ओपन करना है। साइड डोर ओपन करने के बाद हमें ये फिक्सिंग यूनिट है जो आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं फिक्सिंग यूनिट पूरी, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें एक नट यहाँ होता है और दूसरा नट वहीं साइड में इस तरफ होता है। तो इनको निकाल, दोनों नट को खोलने के बाद हमें ये फिक्सिंग यूनिट को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर मैं आपको उसमें आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हमें करना है। तो दोस्तों, ये फिक्सिंग यूनिट हमने बाहर निकाल ली है। अब हमें इसे ओपन करना होगा और ओपन करके देखना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमें सिंपली कुछ स्क्रू को ओपन करना होगा। जैसे कि इसमें दो तीन प्रॉब्लम होती है जिसके कारण पेपर फंसता है, जैसे कि टेफ्लॉन के अंदर का ग्रीस खत्म हो जाना, या आप देख रहे हो यहाँ पर ये कार्बन्स हैं, इनके भी कारण पेपर फंस सकता है। जैसे कि ये कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये जो कार्बन दिख रहे हैं आपको जो इन रोलरों पर लग गए हैं, तो हो सकता है कि इनके कारण भी पेपर जाम हो रहा हो। और एक इसके अंदर रॉड होती है, इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर रॉड होती है जो पूरी तरह से अगर ब्लैक हो गई है और उस पर जो भी टोनर है हमारा जम गया है, तो उस चक्कर में भी हमारा पेपर बार बार जाम होगा। तो पहले हम इस रॉड को चेक करेंगे कि ये रॉड अंदर से सही है कि नहीं। अगर ये रॉड में भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये पेपर जाम हमारा इसी रॉड के चक्कर में हो रहा है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए दोस्तों, हमें यहाँ एक नट लगा होता है, ये आपको सिंपली आप देख पा रहे हो ये नट लगा है, इसको हमें ओपन करना होगा। उसके बाद एक यहाँ पर लॉक होता है, तो आप सिंपली इसको नट को जैसे ही खोल लेंगे तो इसको इस तरफ हमें सरकाना होगा थोड़ा सा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये स्क्रू है, इसको ओपन करता हूँ इसको मैं। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब आप जैसा देख पाएंगे कि इसको मैं हल्का सा लेफ़्ट की तरफ टर्न करूँगा और ये मेरी ये बाहर पार्ट्स बाहर आ जाएगा। तो इसको निकाल के हमें साइड में रख देना है। फिर उसके बाद हमें ये पत्ती को निकालना है। पत्ती को निकालने के लिए यहाँ कुछ नट लगे होंगे, वो हमें नट खोलना पड़ेंगे। तो मैं ये नट खोलता हूँ बारी बारी से। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये वाली पत्ती हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रॉड होती है वो इस पार्ट में फिट होती है। तो ये जो लॉक लगे हैं, एक लॉक ये है और एक लॉक ये है, तो हमें इसको हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरह से टर्न करना है कि बाहर आ जाएगी। इस पत्ती को खोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं इसको हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करूँगा और उसे बाहर निकाल लूँगा, तो ये हमारा पार्ट बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रॉड है इस पर काफ़ी टोनर है वो जम गया है, और इस रॉड को हमें बाहर निकाल के इसे क्लीन करना है अच्छे से, क्योंकि जो हमारा बार बार पेपर जाम हो रहा है वो इसी के चक्कर में हो रहा है। तो मैं इसको निकालता हूँ, फिर आपको इसको कैसे साफ करना है मैं वो आगे दिखा देता हूँ। कर दी। तो दोस्तों, ये रॉड बाहर आने के बाद हमें सिंपली यहाँ एक नट लगा है, इसमें इस नट को हमें खोलना है, जिससे कि ये रॉड है हमारी बाहर आ जाएगी। तो इस नट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ।
जैसे ही आप ये नट बाहर निकालोगे तो ये जो पार्ट है ब्लैक वाला लॉक ये बाहर आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ये अलग हो गया है और रॉड भी हमारी बाहर आ गई है। तो सिंपली हमें इसको निकाल लेना है। और ये जो भी टोनर इस पर लग गया है आप ध्यान से देख पा रहे हो कितना ब्लैक टोनर इस पर लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो काफ़ी सारा टोनर जम गया है। तो इसे हमें इसको साफ़ करना है। किसी धारदार चीज़ ले लेना आप, जैसे कि कटर होता है पेपर कटर, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जैसे कि पेपर कटर है, सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा और इसको हमें बैक साइड से यूज़ करना है। ये इसका धारदार पॉइंट है, इस यहाँ से यूज़ नहीं करना वरना आपका पेपर कटर है वो ख़राब हो जाएगा। इसको बैक साइड से ऐसे यूज़ करना है, ऐसे रफ़ करना है जिससे कि हमारा जो इसमें टोनर लग गया है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना कि ज़्यादा भी ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, क्योंकि हमारी जो रॉड है वो भी ख़राब हो सकती है, उस पर भी ज़्यादा स्क्रैच ना आए। तो आप इसको हल्के हाथ से ही साफ़ करना। तो मैं इसको पूरा साफ़ अच्छे से कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने ये रॉड अच्छे से क्लीन कर ली है। आपको पास से भी मैं दिखाऊँ, अब इस पर कहीं से भी कहीं तक टोनर नहीं लगा हुआ है। तो इसको साफ़ करने के बाद सिंपली इसको वापस से हमें इसी पत्ती में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली वही प्रोसेस है, आप ये जो लॉक है इसमें आप रॉड को ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद जो ये लॉक है इसको हमें यहाँ रख देना है। रखने के बाद सिंपली हमें इस तरफ अपनी पत्ती को रख देना है लॉक को, और जो इसमें से हमने पेच खोला था वो पेच हमें इसमें वापस लगाना पड़ेगा। रखने के बाद हमें ये स्क्रू यहाँ पे लगा देना है। तो मैं इसमें इसको कस के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये स्क्रू मैंने यहाँ अच्छे से फिट कर लिया है और जो रॉड है वो हमारी अच्छे से पंपिंग भी ले रही है। देखो आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, ये स्प्रिंग लगी होती है इनमें, दोनों तरफ से आपको देख लेना है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ मेरे से गलती हो गई है, ये गलती आप नहीं करिएगा। ये जो रॉड है वो हमें इस होल में लगाना था जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस होल में, जो कि ये इस होल में नहीं जाते हुए वो नीचे चली गई है। तो मैं स्क्रू को दोबारा ओपन करूँगा और इसको इस होल में मैच करते हुए लगाऊंगा। तो आपको इसको लगा ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसको मैं अच्छे से फिट करूंगा इसमें और दोनों तरफ से चेक कर लूंगा कि दोनों तरफ से ये अच्छे से इसमें फिट हो गई है। उसके बाद मैं इसमें वापस से इसको लगा दूंगा। तो आप इसको फिट करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना। तो ये मैंने स्क्रू इसमें अच्छे से लगा दिया है, इसको मैं थोड़ा और टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद सिंपली वही हमें फिर चेक करना है कि ये अच्छे से पंपिंग ले रही है या नहीं, या कुछ दिक्कत आ रही है। तो अब हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये दोनों तरफ से अच्छे से पंप ले रही है, और इसको घुमा के भी अपन देख लेना है। जैसे कि मैं भी इसको घुमा के देख पा रहा हूँ तो ये बढ़िया अच्छे से घूम रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिक्सिंग यूनिट जब इतना कुछ खोलेंगे तो हमें ये जो रोलर लगे हुए हैं इनको पुली बोलते हैं। पास से आपको ला के दिखाता हूँ। ये जो रोलर हैं इन पर भी आप देख पा रहे हो टोनर काफ़ी जम गया है, तो इनको भी हमें निकाल के क्लीन कर देना है जब हमने इतना फिक्सिंग यूनिट को खोला है। और इनमें अगर आप अंदर कुछ कचड़ा वगैरह दिखे प्रेशर रोलर पर तो उसको भी आप साफ़ कर लीजिए। तो इन पुली को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। सिंपली आप पुली को बाहर की तरफ खींचोगे हल्के हाथ से तो ये बाहर आ जाएगी। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों ये स्प्रिंग लगी होती है पीछे एक बारीक सी, तो ये स्प्रिंग खोनी नहीं चाहिए क्योंकि वापस हमें इसमें लगाना पड़ेगा। अगर ये स्प्रिंग खो गई तो ये
पुली है ना पंपिंग नहीं करेगी तो फिर भी हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेपर जैम की। तो ये पुली हम एक एक से निकाल के, दोस्तों जैसे कि मैंने ये बाहर निकाल लिया है, तो ये स्प्रिंग का आप ध्यान रखना दोस्तों कि ये स्प्रिंग जो है कहीं खो ना जाए, क्योंकि ये वापस हमें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक एक करके मैं ये सारे जो पुली हैं वो उनको क्लियर कर लेता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, इसमें भी चार पुली लगी हैं, 1, 2, 3 और एक मेरे हाथ में है। तो इसी तरीके से मैं इनको निकाल के इन पर जो टोनर लगा हुआ वो मैं साफ़ कर लेता हूँ इसी कटर की मदद से। तो इनको मैं साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारी पुली हैं उनको निकाल के साफ़ कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी स्प्रिंग जो है वो हमें संभाल के रखना है, वो मैंने इसलिए बोला था कि जैसे ही हम इसमें पुली को इंसर्ट करेंगे तो पुली क्या है आप जैसे इसमें देखोगे, ये हम जैसे दबाते हैं तो ये बाहर की तरफ पुली वापस आ जाती है। तो स्प्रिंग ये काम करती है कि इसको अच्छे से इसमें फिट कर देती है, मतलब जो पंपिंग होती है वो प्रॉपर ले पाती है, इसलिए स्प्रिंग नहीं खोना चाहिए। तो मैंने आप देख पा रहे हो ये चारों पुली हैं वो अच्छे से साफ़ कर ली हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो पेपर जाम की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हम इसको पैक कर देते हैं और फिर मशीन में इसको इंस्टॉल कर देते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी पेपर जाम होता है तो सिंपली हमें पूरी फिक्सिंग यूनिट को खोल के टेफ्लॉन को चेक करना होगा और टेफ्लॉन के अंदर जो ग्रीसिंग है उसे भी चेक करना होगा, क्योंकि कभी कभी वो ग्रीस भी ख़त्म हो जाता है तो हमें ग्रीसिंग करना पड़ता है। तो मुझे ग्रीसिंग की प्रॉब्लम तो इसमें नहीं लग रही है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले न्यू टेफ्लॉन डाला है इस समय। और टेफ्लॉन कैसे चेंज करना है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं इतना करके अपनी सिंपली फिक्सिंग यूनिट को दोबारा से पैक कर लेता हूँ। पैक करने के लिए वो सिंपली मैंने जो ये रॉड निकाली थी उसे इसमें फिट कर देना है, जो आप इसमें ये लॉक देख रहे हैं ये वाला और एक इधर भी है, तो उनमें ये वाले होल्स हैं, एक ये और एक ये फिट होते हैं होल वहाँ पर जाके। तो इसको हमें सिंपली फिट कर देना है। तो दोस्तों हमें इसको फिट करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है, आप देख लीजिए अच्छे से, कुछ इस तरह से पकड़ के हमें इसको सिंपली इस पे ये लॉक हैं इनको इनमें फंसा देना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ रख दिया है, रखने के बाद आप यहाँ देख पाओगे कि ये जो लॉक है वो यहाँ अच्छे से फंस गया है इसमें और यहाँ पे भी। तो अब सिंपली हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे कर देना है तो ये अच्छे से यहाँ फिट हो जाएगा। और उसके बाद हमने जो भी यहाँ सामान इसका ओपन किया था वो हमें यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों ये पत्ती फिट करने के बाद ये एक स्क्रू जो हमने यहाँ से खोला था तो वो हमें वापस यहाँ फिट कर देना है, वापस हमें यहाँ पे स्क्रू लगाना है। तो वो मैं स्क्रू लगा लेता हूँ, फिर मैं और भी आपको वीडियो में वो जो कवर है वहाँ रखा है उसमें फ़िट कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये स्क्रू है यहाँ लगा दिया है जिससे कि अब ये जो अगर मूव भी करती है तो ये लॉक हैं वो निकल के बाहर ना आए, इसलिए ये स्क्रू यहाँ लगाया जाता है। उसके बाद जैसे हमने उस वाले कवर को निकाला था फिक्सिंग यूनिट में से, सिंपली उसी तरीके से हमें यहाँ कवर को लगा देना है। सिंपली हम कवर को लगाने के लिए ऐसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो जगह है वो इस कवर में एक लॉक होता है वो वहाँ जाके फिट होता है। जैसे कि मैं आपको ये लॉक दिखा दूँ, ये जो आप लॉक देख पा रहे हो ये वाला जो लॉक है, ये जो लॉक है उसको हम यहाँ इस जगह रखते हैं और राइट की तरफ इस तरफ हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये यहाँ जाके फंस जाएगा
और फिर जो स्क्रू हमें यहाँ लगाना है इस जगह, वो होल टू होल मैच हो जाएगा। तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर मैं आगे और भी आपको वीडियो में दिखा दूँगा। तो दोस्तों मैंने ये कवर यहाँ लगा लिया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी हमारा ये होल है वो मैच हो गया है। तो मैं इसको भी यहाँ स्क्रू से कस के टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रू लगा दिया है, और दोस्तों मैंने इस तरफ आपको जो लॉक बताया था वो मैंने यहाँ बोला था इस जगह रखने के लिए, वो इस जगह नहीं रखेगा, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो लॉक यहाँ जाके फंसेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लॉक यहाँ जाके इस पत्ती में जाके कनेक्ट होगा। तो हमारे जो भी जो फिक्सिंग यूनिट का ये वाला कवर है वो यहाँ फिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसमें स्क्रू लगा दिया है, अब सिंपली इस फिक्सिंग यूनिट को मैं अपनी मशीन में फिट करूँगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब फिट करने के लिए सिंपली हमें इस प्लग में अपना फिक्सिंग यूनिट फिट करना है। फिट करने के लिए सिंपली आपको अपनी फिक्सिंग यूनिट को सिंपल पकड़ के रखना है, और ये जो स्टैंड है ये वाला और एक ये वाला, इस पर रखते हुए आपकी फिक्सिंग यूनिट जो है अंदर जाएगी। तो फिक्सिंग यूनिट को अंदर रखने के लिए आप इसकी सेटिंग बिठाते हुए देख लीजिए अच्छे से कि यहाँ कुछ भी अड़ तो नहीं रहा है। ये जो लॉक है इसको अंदर प्रेस कीजिए, तो ये हमारा अच्छे से यहाँ फिट हो गया है। तो ये एक स्क्रू हमें यहाँ लगाना है और एक स्क्रू यहाँ लगाना है। तो ये दोनों स्क्रू मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। एक स्क्रू हमें यहाँ फिट करना है, और एक स्क्रू हमको राइट साइड में यहाँ लगाना है। स्क्रू लगाने के बाद सिंपली हमें साइड डोर को बंद करना है और अपनी मशीन को चला के देखना है। जहाँ तक मुझे विश्वास है तो ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई होगी। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो सिंपली कुछ नहीं करना, फिर हमें अपना टेफ्लॉन के अंदर जो ग्रीस लगाते हैं हम सिलिकॉन ग्रीस, वो चेक करना पड़ेगा, वो ख़त्म तो नहीं हो गया है, और या टेफ्लॉन भी ख़राब हो सकती है, तो हमें टेफ्लॉन भी चेंज करनी पड़ सकती है। वैसे टेफ्लॉन मेरी नहीं है, तो मेरी इस मशीन में जो पेपर जाम की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी होगी। मैं आगे मशीन चलाऊंगा तो ये प्रॉब्लम मेरी सही हो जाएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।